लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं सानिया जैन, ये नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। संकिसा में धूमधाम से मनाया बौद्ध महोत्सव, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने किया महोत्सव का शुभारंभ। काला पीपल में शरद पूर्णिमा के अवसर पर स्वर्णकार समाज ने किया महाराजा अजमीर और जालूजी महाराज के जन्मोत्सव पर चवल समारोह का आयोजन। अयोध्या में इस बार का तीसरा दीपोत्सव भी होगा बेहद खास। दीपोत्सव के लिए अयोध्या में 12 स्थलों और मंदिरों में जलने वाले दीयों को तैयार करने के लिए 40 कुम्हार के परिवार जुटे। यूपी के मैनपुरी मुख्यालय से महज 35 किलोमीटर दूरी पर बसा भगवान बुद्ध के तीर्थ स्थल सकिसा में बौद्ध महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। महोत्सव का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया। बौद्ध महोत्सव में दूर दराज से आए अनुयायियों ने महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं बौद्ध पुस्तकालय में भगवान बौद्ध प्रतिमा का अनावरण कैंसर सर्जन डॉक्टर नवल किशोर शाक्य द्वारा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। काला पीपल में शरद पूर्णिमा के अवसर पर स्वर्णकार समाज द्वारा महाराजा अजमीर जी एवं जालू जी महाराज के जन्मोत्सव पर समाज के लोगों ने नगर में चल समारोह निकाला। साथ ही नगर के शगुन मैरिज गार्डन में प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वर्णकार समाज के शिक्षा के क्षेत्र में नाम रोशन करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान एवं वृद्धजनों व साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में समाज को गौरवान्वित करने वाले लोगों व प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। काला पीपल से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। पूर्णिमा के उत्सव पर स्वर्णकार समाज काला पीपल के सभी सामाजिक बंधुओं ने मिलकर महाराज जी अजमेर जी एवं महाराज जी जालू जी महाराज की जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पूरे नगर में माता बहनों के साथ में पुरुषों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया और पूरे नगर में भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान एक सभा का आयोजन किया गया, उसमें हमारे जो समाज के जो वरिष्ठ जन हैं 70 साल की उम्र जिन्होंने पार कर लिए उनका पूरे समाज की ओर से सम्मान किया गया। साथ में जो हमारे समाज के की जो धरोहर है जिन्होंने विभिन्न विधाओं में अपनी पहचान समाज में और प्रदेश में स्थापित की है ऐसे प्रतिभावान छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया और 10वीं 12वीं और बैचलर और मास्टर डिग्री में जिन्होंने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनका भी सम्मान समाज की ओर से किया गया। ये इस प्रकार का आयोजन बहुत ही प्रशंसनीय आज का आयोजन रहा और ये प्रथम अवसर था जबकि स्वर्णकार समाज एकत्रित होकर ये जयंती मनाई। इसमें आसपास के लगभग 16 गांव के लोग एकत्रित होकर उन्होंने भी बहुत अच्छे से है ना बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया। हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले वर्ष में भी इसी प्रकार से इस प्रकार का आयोजन हो ताकि समाज संगठित हो और अन्य समाज में भी को भी उससे प्रेरणा मिले। अयोध्या में इस बार का तीसरा दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तीसरे दीपोत्सव के लिए अयोध्या में 12 स्थलों और मंदिरों में जलने वाले दीयों को तैयार करने के लिए जयसिंहपुर गांव के 40 कुम्हार के परिवार जुटे हुए हैं। पिछले साल दीपोत्सव पर 2.5 लाख दीयों का इस्तेमाल किया गया था, इस बार 4 लाख दीपों का लक्ष्य रखा गया है। इन दीयों को 20 अक्टूबर तक तैयार कर अवध विश्वविद्यालय को सौंप देना है। आपको बताते चलें कि जयसिंहपुर गांव के प्रजापति परिवार के लोग दीपोत्सव को लेकर मोदी और योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। उनका सभी का कहना है कि गाँव के लोग कुम्हारी कला को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे लेकिन अब वह अपनी पुश्तैनी पेशे को अपनाने के लिए वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दीपोत्सव और प्लास्टिक पर लगी रोक से उनकी कला को नया प्रोत्साहन मिल रहा है। काम मिलने से युवा भी इस कला में वापस आ रहा है। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। आपको जो है दीपोत्सव में कितने दिए मिलने बनाने का आर्डर मिला? 4 लाख। 4 लाख दिया मिले, क्या रेट मिलेगा? 85 रुपया सैकड़ा। 85 रुपये सैकड़े के हिसाब से अब तक कितने दिए तैयार हो चुके? लगभग 3 लाख। ये कब तक आपको देना?
की मतलब देना है 24 तारीख को। 24 तारीख क्या अकेले दिया बना लेते हैं इसमें आ रहे हैं? नहीं अकेले नहीं बनाते, पूरे गांव में बना रहे हैं। 40 घर 40 घर मिला करके दिए अपने पूरे तैयार करें। ये कब से शुरू किए हैं, कब तक ये तैयार कर देंगे? ये तैयार हो जाएगा, 20 तारीख तक तैयार हो जाएगा। ये कब से चालू किए बनाने के लिए? चालू लगभग 15 दिन से। 15 दिन। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार प्रजापति। अगले साल जो आपको मिला था? हाँ अगले साल भी मिला था। क्या वही रेट अभी भी मिला हुआ? हाँ वही रेट जो पिछले साल था वही रेट अब की भी है। रोजा गांव शुगर मिल के महाप्रबंधक निष्काम गुप्ता ने बताया कि अभी हमारा इस मिल में बतौर यूनिट हेड नया कार्यकाल शुरू हुआ है और हमारी पिराई का सत्र आगामी नवंबर माह से स्टार्ट हो रहा है। हमारा हर संभव ये प्रयास होगा कि किसानों को अवेयर करने का, उन्हें अच्छी से अच्छी फसलों व पैदावार के लिए जागरूक करने का। उन्होंने कहा कि मैं खुद और हमारी पूरी मिल प्रबंधन टीम गाँव गाँव जाकर के लोगों को नई तकनीकी से खेती करने के लिए जागरूक कर रही है। हमारे तरफ से पंपलेट बांटे जा रहे हैं, किसानों को इंटरप्लांटिंग व डिस्टेंस प्लानिंग के बारे में भी बताया जा रहा है। रुदौली से शिवशंकर वर्मा की रिपोर्ट। देखिए सीएन जो हमारा है नवंबर के सेकंड वीक में चलने जा रहा है और इस वर्ष भी हमारी जो कंपनी का जो टारगेट है गन्ने की पिराई का पिछले साल के समकक्ष ही था, परंतु सितंबर माह में अत्यधिक बारिश होने की वजह से गन्ने की क्रॉप में थोड़ा नुकसान हुआ है और हमारा एरिया भी कटा, जिसकी वजह से गन्ने की यील्ड में कुछ समय कमी होने की आशंका है, परंतु फिर भी हम जो अपना लक्ष्य हमारे मैनेजमेंट ने तय किया उसी के अनुरूप हम गन्ने की पिराई करेंगे। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के जो फार्मर्स हैं सर जी, तो उनके लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा अपने? हाँ जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है हमारे, लगभग हमारा 45% एरिया जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है, उसके लिए हम किसान को प्रशिक्षित करते हैं और इसके लिए अलग से गन्ने की वैरायटी 94-184 के लिए हम उसको बताते हैं कि इस जहाँ पे पानी का लॉजिंग है उस इलाके में उस वैरायटी का हम उनको बताते हैं कि आप इस वैरायटी को ही लगाएं। सेकंडली उसके लिए हम दवाइयाँ भी बताते हैं, जैसे जहाँ पानी खेत में रुक जाता है वहाँ पर उसको ब्लीचिंग पाउडर का स्प्रे कंपनी के द्वारा फ्री कराया जा रहा है। उसके अतिरिक्त अगर कोई बीमारी आ जाती है जैसे रेड रॉट वगैरह जैसे आ जाता है अर्ली वैरायटी में, उसके लिए भी हम हेक्साटॉप एक दवाई है उसका स्प्रे कराते हैं, उसकी विधि बताई जाती है कंपनी के द्वारा, उन चीज़ों को सब्सिडी पे भी दिया जा रहा है। तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो कंपनी के द्वारा किसान हित में चलाई जा रही हैं। पेड़ी प्रबंधन पर भी अभी मैनेजमेंट ने काम किया था और किसानों को प्रशिक्षित किया था कि आप ट्रेंच विधि से गन्ने को बोएं और गन्ने को 8 से 9 इंच गहरी जुताई करके तब हम 4.5 फीट पर अगर गन्ना बोते हैं तो उसमें किसान की यील्ड भी बढ़ती है और गन्ने की गिरने की समस्या का भी निदान हो जाता है। जल्दी मैच्योरिटी के लिए किसान की उपज बढ़ाने के लिए ऑटम प्लांटिंग पे हमारा विशेष ध्यान है कि किसान ऑटम प्लांटिंग यानी कि सितंबर 15 सितंबर से अक्टूबर माह तक वो ऑटम प्लांटिंग में अपनी गन्ने की बुआई करे जिससे उसके गन्ने में मैच्योरिटी ज़्यादा आएगी। एक नया अभियान हम यहाँ छेड़ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, उसके लिए हम पंपलेट भी डाल रहे हैं और उन किसान को शिक्षित भी कर रहे हैं कि वो जो धान की जो फसल है वो अर्ली मैच्योरिटी वाली धान की फसल ले। उससे फ़ायदा ये होगा कि अभी जो नॉर्मल जो फसल किसान ले रहा है धान की वो 120 से 150 दिन की मैच्योरिटी की फसल ले रहा है। हमारा कहना है कि आप जो धान की जो वैरायटी है वो 90 से 100 दिन की मैच्योरिटी वाली आप अगर आप पकड़ लेंगे तो 30 दिन आपको गन्ने के लिए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और वो गन्ना आपका मैच्योर होगा, भारी होगा और उसमें किसान की उपज अच्छी आएगी। तो एक ही हमारी तरफ से उसको समझाया जा रहा है और बाकी बलरामपुर ग्रुप के द्वारा समय समय पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ और छूट किसानों के लिए उपलब्ध है जो कि हम सब्सिडी के द्वारा भी उनको प्रदान करते हैं और हमारी टीम डेली खेतों में जाकर के विलेज मीटिंग करती है, किसान को समझाती है कि आप कैसे बीमारी से बच सकते हैं, किस मंथ में कैसे आपको काम करना चाहिए, गन्ने की फसल पर कब मिट्टी चढ़ानी चाहिए, कब उसके अंदर पोटाश डालना चाहिए, कैसे दवाइयों को स्प्रे करना चाहिए। तो स्प्रिंग और ऑटम दोनों प्लांटिंग पे हम लोग विशेष ध्यान देते हैं और सबको बताते हैं। शुगर केन के लिए सर फार्मर्स को क्या आप अपनी तरफ से क्षेत्र के जो फार्मर्स हैं वो क्या संदेश देना चाहते हैं कि फार्मिंग कैसे करें, किस मात्रा में करें? देखिए शुगर केन के लिए अब ये जो क्षेत्र है कोई नया नहीं है, यहाँ का किसान 1993 में इस मिल का लग गया था, यहाँ के जो किसान हैं काफ़ी मेहनती हैं। हमारे द्वारा जो मेन चीज़ दी गई थी वो अर्ली वैरायटी के गन्ने पर ही अपना ज़्यादा फोकस करें, पहली चीज़। जो 238 वैरायटी है, 239 वैरायटी है, 118 को हम ज़्यादा कह रहे हैं इस समय कि 118 वैरायटी को आप ज़्यादा से ज़्यादा इस समय लगाएं। दूसरा हमारा संदेश ये है कि आप 4.5 फुट पर गन्ने की बुआई करें जिससे कि आप उसको सह फसली कर सकते हैं। बीच में आप इंटरक्रॉपिंग जब आप करेंगे तो एक कैश क्रॉप की तरह आपको मिलेगा, 3-3 महीने में आपको अपने घर के खर्चे के लिए मिलता रहेगा और गन्ने का जो पेमेंट आएगा वो आपको
रेस्ट जरूरतों के लिए आपकी यू करेगा, तो हम कहते हैं इंटरक्रॉपिंग के साथ गन्ने की बुआई करें, डिस्टेंस प्लांटिंग के साथ करें। और अभी एक जो ट्रेंड यहाँ पर है कि गन्ना गहरा नहीं बोते हैं, 3 या 4 इंच पर ही गन्ने का बीज डाल देते हैं, उसको हम यहाँ कह रहे हैं कि 8 से 9 इंच की गहराई पर ही गन्ने की आप जुदाई करें, तो उससे किसान की फसल भी प्रभावित कम होगी और उसमें यील्ड और उपज जो है आपको बढ़िया मिलेगी। और गन्ना एक बहुत शानदार फसल है, इसको आप दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि एक पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा है और एक शेयर मार्केट में है। गन्ने की फसल मैं कहता हूँ कि पोस्ट ऑफिस की तरह है, बारिश भी आ जाएगी, मौसम भी ख़राब हो जाएगा, इवन जल भी जाएगा तो भी गन्ना आपको कुछ पैसा दे के जाएगा, लेकिन मेंथा या इस तरह की जो छोटी छोटी फसलें हैं बरसात आने पर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा किसान भाई से अनुरोध है कि वो इस खेती में लगातार बने रहें, इंटरक्रॉपिंग, डिस्टेंस प्लांटिंग और डीप उसके साथ आप इसको अगर बोएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मैनेजमेंट बलरामपुर ग्रुप की हमेशा से किसानों के हित में रही है और उनके लिए हमेशा अच्छा सोचती रहेगी। राम मंदिर बाबरी मस्जिद के संभावित फैसले को लेकर मुस्लिम पक्षकार हाजी महबूब की आवाज पर मुस्लिम समाज के लोगों की एक बैठक संपन्न हुई। वहीं इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के मुस्लिम भाई मौजूद रहे। मुस्लिम समाज के लोगों ने अयोध्या के संभावित फैसले को लेकर चर्चा की और लोगों से अपील की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की बात कही। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वह मुस्लिम समाज मानने को तैयार है। वहीं हाजी महबूब ने कहा है कि उन्हें फैसले से कोई ऐतराज नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। मुस्लिम समाज से अपील करते हुए हाजी महबूब ने कहा कि अयोध्या में बाहर के लोगों को आने की जरूरत नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर मामले की सुनवाई 17 अक्टूबर को समाप्त हो रही है, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सभी पक्षकार भी अलर्ट हैं और फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। बैठक हमने बुलाई थी कि आजकल के माहौल जो है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने वाले हैं, लोगों के अंदर दिल में खलफसार है कि कल क्या होगा, और प्रशासन एक तरफ ये आश्वासन देता है कि अयोध्या में कुछ होने नहीं देंगे और जैसे हैं कोई मुसलमान या कोई भी हिंदू भाई कोई अपने घर से बाहर न जाए, अपनी अयोध्या में रहे। इसीलिए मैंने एक मीटिंग बुलाई थी कि हम भी आगाह कर दें अपने मुसलमान भाइयों को कि मसले ऐसे हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन आप लोग परेशान ना हों। और क्योंकि इस वक्त जो भी प्रशासन के कारनगी हैं, जैसे लोग हैं, वो हमारे लिहाज से सुलझे हुए हैं और वो कोई ऐसी बात होने नहीं देंगे अयोध्या में जो कभी हुआ था। इसलिए मैंने ये मीटिंग बुलाई थी कि सबको मैं आगाह कर दूं, बता दूं। और दूसरी चीज़, बाराफात भी आया हमारे यहाँ, 9 को बाराफात है और उसमें जैसे हुल्ला धरंग बरंग करते थे लोग, ज़्यादा तेज़ आवाज़ से मैप है तो आवाज़ धीमी करके अच्छे माहौल से उसको निभा ले जाए, बस इसीलिए। सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई चल रही है, 17 को सुनवाई समाप्त होगी, क्या लगता है कि फैसला किस तरीके? देखिए, फैसला कुछ भी आवे हम फैसला को मानने के लिए तैयार हैं, वो चाहे मेरे खिलाफ आएगा तो, मेरे माफी का आएगा तो, मैं उस फैसले को मानने के लिए तैयार हूँ। 17 को आखिरी डेट है, हो सकता है कल मैं दिल्ली भी जाऊँ और जो भी फैसला होगा वो सर आँखों पर है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।